आई तनी देखल जाओ कि आवे वाला जोन अगला योद्धा बाणे का उनकरो तीर निशाना पे लगी। गजब की फुर्ती, गजब के जोश, गजब के जुनून और गजब के परफॉर्मेंस। हमार कुछ नया अंदाज, हम है रामपुर पटना के प्रदीप। श्वेता जी, प्रदीप के तांडो कैसन लागल है? जब आप वहाँ ऊपर खड़े थे तो देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत गजब का आने वाला है, बहुत ही सॉलिड आने वाला है, लेकिन आपने स्टार्टिंग से ही अपना बैलेंस लूज करना शुरू कर दिया। आप बैलेंस नहीं कर पाए और वो एंगर, वो चीजें जो आपके चेहरे पे होनी चाहिए ना, वो आंखें, व्हेन यू मेक दैट पोज, दैट वाज मिसिंग। आपका बैलेंस बहुत बार गया, वो भी बात समझ में आती है, लेकिन जो आपकी कोशिश थी और जो आपका जो जज्बा था वो साफ नजर आ रहा था। आपके एक्शंस काफी जगह पे बहुत अच्छे भी थे। मैं जब कर रहा था तो मैं बहुत डर रहा था कि सरोज मैम है और इतना मुझे हार्ड मिल गया, कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए और बहुत हो सकता है मार भी खा लूँ, लेकिन बहुत डरते डरते मैंने किया है मैम, और मुझे बहुत अभी भी डर लग रहा है। तांडव पूजा की चीज़ है और मैं पूजा करने में पता नहीं कैसा रहा। जो आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत दिख रही है, ऐसा नहीं है कि आपने जो मेहनत करी है वो पता नहीं चल रही है, वो पता लग रही है। जी मैम, तो हर मेहनत काबिले तारीफ बा, लेकिन का तो के आगे मौका मिली अगर ई जाने के बाद तो हमने की चले के पड़ी महागुरु के पास। आपके पूरे गाने में एक बार भी मैंने आपके हाथ पैर की मुद्रा सही नहीं देखी। या तो आप ये कहिए कि आपके कोरियोग्राफर ने नहीं सिखाया। मैम ऐसा है कि देखो, मुझे आपकी सिर्फ ताकत दिखाई दी है, एनर्जी दिखाई दी है। जी मैम, मुझे आपके डांस की कोई भी मुद्रा सही नहीं है। जोन कुछ तू सिखले बाड़ा और जोन कुछ आज यहाँ दिखौला है, ओकरा बारे में पूरी तरह से महागुरु के और दोनों कप्तान के जानकारी मिल चुकल बा। अब ओ लोग के फैसला भी आई, लेकिन एकरे पहले तू अपन स्थान ग्रहण करा। धन्यवाद मैम। तो रउआ सब देखनी है कि हर योद्धा के कड़ी परीक्षा से गुजरे के पड़ रहल बा। ऐसन संग्राम है जो ने संग्राम के जीते खातिर खाली बल ना, बुद्धि के भी जरूरत पड़ी। तो आई तनी देखल जाओ कि हमनी के अगला योद्धा के कैसन तैयारी बा।
हिनकर मेहनत कहाँ तक भइल सफल इ जाने खातिर हमनी के चलत तनी जा अपना भावी कप्तान लोग के पास। सबसे पहले संभावना जी, बहुत अच्छा लगा, स्माइलिंग फेस था वो अच्छा लगा, आपने एक्सप्रेशंस यूज किए, आईज यूज करी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। आपका ये जो डांस था, आपका जो म्यूजिक, जो सॉन्ग सिलेक्शन आपने किया था, उसमें था कि वो मस्ती वाला गाना है और इस गाने में ऐसा कुछ खास स्टेप या इस तरह की जरूरत नहीं थी, बहुत मस्ती चाहिए थी और आपने वो पूरी मस्ती के साथ डांस किया है, तो इस गाने के साथ आपने पूरा इंसाफ किया है। सो मेरी तरफ से थम्स अप। तीनों कप्तान लोग के दिल तो जीत ले ले बारो, लेकिन देखल जाए क्योंकि आज जीते के पड़ी यहाँ महागुरु को। आप बहुत अच्छा नाचती हैं, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती हैं, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे और भी अच्छा कर सकूं। करेंगे करेंगे जरूर। थैंक यू मैम। जिका परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, उहे जाई अंतिम बेहतरीन बारह में, कहे कि वो हर सपना जे में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम। और अब तक हमनी के देख चुकल बानी जा अपना आठ महारथी लोग के कलाबा, वो लोग आपन परीक्षा दे चुकल बा और वो लोग के किस्मत लिखल जा चुकल बा। काहे कि वो घड़ी नजदीक आ रहल बा जब एह मंच के छोड़ के तीन योद्धा के जाए के पड़ी, तो आई तनी देखल जाओ हमनी के नौवा योद्धा के मिजाज कैसन बा। डांस ऐसा की देखे के मन करे, हौसला ऐसा की जीते के मन करे, हमें हौसला जीते के हमें अभिषेक। कुछ कहे से पहले हम बड़की माई से जानल चाहब कि ये कौन विधा रहे जो नी देखौले हैं हमनी के। जो गाना ना गा के अपनी फीलिंग बताए उसको माइमिंग कहते हैं, लेकिन इनकी एक छोटी सी गलती है, पर ये आइटम बहुत अच्छा था, कंपोज्ड, वेल कंपोज्ड, वेल डांस्ड, सिर्फ इसमें मुंह नहीं खुलना चाहिए। अगर आप मुंह खुला रखते तो मुझे ऐसा लग रहा है आप गाना गा रहे हैं, तो आपका माइमिंग पूरा फ्लैट हो जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू। तो ऐसा रहा तू गावत रहा का? ना ना, खाली मुंह खुलल बा। मुंह खुलल रहा ना, तो जान गेला ना कि ये विधा में मुंह के बंद रखे के पड़ेला। अब ऐसी गलती नहीं होगी। अभिषेक का मुंह खुला हुआ था कि बंद था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। थोड़ा सा मैं संभावना जी से नाराज होंगी, मुंह खुला था या बंद था फर्क नहीं पड़ता ऐसा बोलना नहीं, मैंने डिटेल समझा दी। जी जी, आप मुझे कॉन्ट्रेडिक्ट करके नहीं, कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं? नहीं नहीं, मास्टर जी के सामने, मास्टर जी के लिए तो मैं कभी वो चीज बोलूंगी ही नहीं कि मैंने कहा मुझे वो वाले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चीज की डिटेल्स मुझे पता नहीं है, बट मुझे अभी तक का ये बेस्ट परफॉर्मेंस लगा। आई जानल जाओ श्वेता जी से, आप बहुत ज्यादा डांस में इनग्रॉस थे और आपने ऑडियंस को भी उसमें इनग्रॉस रखा, आपने हम लोगों को दुखी कर दिया। हाँ, दुखी खुश होके हम दुखी हो गए कि आपने बहुत अच्छा किया। आपके आइटम ने हमको रुला दिया। या इट वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस। कहे के मतलब कि तू इतना बढ़िया से निभावला है कि महागुरु तोहरे कार्यक्रम के देख के और जोन फीलिंग तू बतावल चाहत रहला वो वहां तक पहुंच गए ले। आप अपन स्थान ले लें। अभिषेक बाबू के मेहनत के तह सराहल गई है, लेकिन हमनी के अब देखे के बा कि आवे वाला योद्धा के अंदर भी वो बात हवे का कि वो आज जीत पई है यहाँ महागुरु के दिल।
सपना ओकरे सच होला जेकर सपना में जान हो गेला। पंख से कुछो ही नहीं होखेला, हौसला में उड़ान होके के चाही। हम हई देश रत्न मार्ग पटना बिहार से आनंद ईशान। ये रवि किशन का डुप्लीकेट आज जूनियर महमूद नहीं लग रहा? हाँ, क्योंकि उसकी मूंछें वैसी है। नहीं, आप बहुत अच्छा नाचे, आपका वॉक बहुत अच्छा लगा, वो कुकड़ू कू का इन्होंने तारीफ की, वेरी गुड। ये स्पिरिट होना चाहिए, एनर्जी सही जगह पे यूज करना, सही टाइम पे यूज करना, सही मोमेंट पे एक्सप्रेशन देना, यही जीत हो सकती है। जी मैम, थैंक यू मैम। तो जीते के मंत्र तोहके मिल गइल बा, तो अब तनी हमनी के जाने के संभावना जी से कि आपके का ख्याल बा। डांस तो आपका अच्छा था ही, लेकिन सबसे अच्छी बात आप में ये है कि आपका जो फेस है वो काफ़ी एक्सप्रेसिव है और क्यूट सा चेहरा है, बड़ा छोटा सा रवि किशन मुझे दिखता है इनमें। और बस जस्ट यही बोलूँगी, कीप इट अप। अरे वो एक स्टेप ना एक बार करके दिखाओ, मुर्गी वाला क्या कर रहे थे, कुकू वाला। Look at his legs, the way it moves. Thank you, man, thank you. आप ले अपन स्थान। अब देखे के बा कि आवे वाला योद्धा के अंदर भी वो बात हवे का कि वो आज जीत पई है यहाँ महागुरु के दिल। हर परफॉर्मेंस में डाल दे नई जान, जे विरोधी देखे तो हो जाए परेशान। हम करब रोशन अपन माई बाबूजी के नाम, सागर सिन्हा मधुबनी बिहार से। हीरो जिसके आगे मैं जीरो, बाकी बड़की माई से पूछब हम कि इजोन कहल चाहत हमें का उमे इनकी कामयाबी मिलल है। डेफिनेटली इन्होंने हर हीरो को अच्छी तरह कॉपी किया। हम बता सकते थे कि ये शशि कपूर है तो ये राजेश खन्ना है तो ये यू नो, जब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो यू हैव सक्सीडेड, आप वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। वेलकम। आज जितने भी एक्ट हुए, तुम्हारा एक्ट ऐसा था जहाँ मेरा मन किया कि मैं भी स्टेज पर आकर तुम्हारे साथ डांस करूं। रथी के जलवा। छोट उम्र से हम उठौले बानी आपन परिवार के पीड़ा, हमने डांस में जीत के आग ही नहीं बल्कि भूख की बात। हम हैं सीजन कॉलोनी दुर्गापुर बर्दवान से गौरी छेत्री। बड़की माई से पूछत हैं कि इजोन कैली है सही रल है या गलत रल है। आप बहुत अच्छा नाचे, बहुत अच्छा, दिल को तसल्ली दे दो, लेकिन एक चीज मेरी तरफ से याद रख, जब भी आप मुजरे का ड्रेस पहनेंगे ऐसा पोस्चर नहीं आएगा। ये है नटवरी, जिसमें ये हाथ घुमा दो ऐसा करो, लेकिन कथक हमेशा ये, चाहे इधर रखो इधर रखो कहीं भी रखो, लेकिन ये उंगली जरूरी है। हाँ, बस इतनी सी मिस्टेक है और कुछ भी नहीं। मैं और भी अच्छा परफॉर्म देना चाहूंगी कि शायद आप बोलो कि मैंने जो बोला वो तुमने कर दिखाया। इंशाल्लाह। तो ये रहले हैं हमार बारहो धुरंधर, जेकर जलवा रहुआ सबे देख चुकल बानी, और अब हम चाहतानी कि फैसला के घड़ी नजदीक आ गई बा। बारहो धुरंधर के किस्मत में का लिखल बा उ त पता चलबे करी, लेकिन हम चाहब कि बारहो धुरंधर मंच पे आ जाए। बड़की माई जवन फैसला लिए उहे मान्य होई। मैं फैसला सुनाने से पहले या रिजल्ट आपको देने से पहले
एक ही बात बोलूंगी, जो एलिमिनेट हुए हैं प्लीज छोटा दिल मत करो, जो आपके मार्क्स बोलते हैं वो ही हम करेंगे, ओके? नो हार्ड फीलिंग्स। आप जितना मेहनत कैले बाड़ा लोग, ओकर फैसला बड़की माई कर चुकल हैं के यहाँ रही और के यहाँ से जाए के पड़ी, तो तू लोग थोड़ा देर और इंतजार करला, हम बड़की माई से वो फैसला का जो उन कागज होके लेके आवत हैं और ओकरे बाद तू लोग के सुनावत हैं कि केकर सफर आज खत्म हो जाए और केकर सफर आगे बढ़ी। हम चाहब कि सबसे पहले हमारे बाएं से चार योद्धा आगे आ जाएं और हम बताएं कि ये चार लोग में से का वो योद्धा हमें जिके आज ही मन छोड़ के जाए के पड़ी। सबसे पहल का योद्धा जे धोती पहन के आज यह मंच पे तांडव दिखा के महागुरु के दिल जीते में कामयाबी हासिल कर ले हैं, उनका के हम बतावल चाहब कि वो सुरक्षित हुए। हम कहब कि हमारी योद्धा ए कुर्सी के हकदार हुए और जाके अपन कुर्सी संभार सके। अब बारी बा हमरा ओ योद्धा के जे मुर्गी और मुर्गा दोनों लेके मंच पे उतर रहले हैं संग्राम लड़े खातिर के, तुहु सुरक्षित बाड़ा। अब हम बतावल चलत हैं अपने तीसरका योद्धा के बारे में और यह वो योद्धा हमें जवन आज एह मंच पे सबसे ज्यादा मार्क बोले हुए अमित बाबू। ए मुखिया जी मन होखे त बोली नहु त रंग खई पतास वाला कोली ए मुखिया जी मन होखे त बोली नहु त रंग खई पतास वाला कोली। और अब बारी बाटे चौथा योद्धा के जेकरा के देख के यह लागल है कि इनके अंदर बहुत जुनून बा, बहुत जोश बा और आज ये मंच पे अपन सारा जोश लेके आई लले हैं। अभी बात करी जानी नहीं बेवड़ा को। अब हम चाहब चार लड़की लोग के फैसला सुनावल जाए, आप लोग आगे आ जाएं चार जने जोन फैसला लिख के हमरा लगे आइल बा। वो फैसला में लड़की लोग के ग्रुप में हमार मंच के धुरंधर गौरी पांडे एह मंच पे अपन सफर जारी रखे हैं। और अब हम बात करे जातानी जेकरा के एह मंच पर दू गो मौका देहल गईला, किरण भी एह मंच पर अपन सफर जारी रखी है। चार प्रतिभागी में से दुई प्रतिभागी बाचल बाणी जिकरा बारे में ई बतावे के बा कि ये दोनों में से केहू एगो तबा जेके इस सफर जारी रखे के बा या ई मन छोड़ के जाए के बा। बहुत दुख के साथ कहे के पड़त बा कि ये दोनों जने के मन छोड़ के जाए के पड़ी। और अब हम बतावल चाहतानी गौरी के बारे में
बड़की माई के जौन फैसला आइल बा जौन लिख के भेजले हैं ओकरे अनुसार तोहार सफर एह मंच पर जारी रही बा। हमरा सागर बाबू के अपना तरफ से कोशिश कैले हैं कि सबकर दिल जीत लें, का इनके कोशिश में कामयाबी मिलल है। तनी एक बार हम देख लेते हैं बड़की माई के फैसला के। सागर बाबू सुरक्षित हो। अभी दोनों योद्धा में से केहू एगो योद्धा तबा जेके यहाँ रहे के बा और केहू एगो योद्धा बा जेके यहाँ से जाए के बा। थोड़ा तू गलती कैले रहा कि तोहार मुंह खुल गई रहे, ओकरे वजह से का लगा था तोहरा के? उसी बात का मुझे डर है कि वो गलती कहीं मुझे पे भारी ना पड़ जाए। तब बड़की माई के जोन फैसला आइल बा वो फैसला के अनुसार तो के यहाँ से नहीं खे जाए। चन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। तू अपन कुर्सी संभाल। ई रहले हैं हमार बारहो धुरंधर जौना में से तीन लोग के सफर आज रुक गई है और बाकी नौ लोग के मौका मिलल है ये युद्ध के आगे लड़े खातिर के, क्योंकि हौसला से यहाँ गूंज उठल है पूरा ई मंच और केहू के आंसू से ई मंच भींगल है। ऐसने बारह गो योद्धा हम लेके आई अगला एपिसोड में। और रउआ लोग याद रखी कि वो हर सपना जेमें बसेला प्राण, उ हर सपना जोन भरेला उड़ान, उ हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है टान संग्राम।